Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, then let's start the session. Subject is English, Standard 2. चलो हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं? यूनिट 1, 2, 3 and 4, राइट? चलो तो आज हम न्यू जो है यूनिट वो स्टार्ट करेंगे. उसमें सबसे पहले एक पोयम है, उसके बाद स्टोरी करेंगे. चलो लेट्स लर्न द पोयम. यूनिट 5, जू मैनर्स. व्हाट इज द नेम ऑफ पोयम? जू मैनर्स. चलो जू क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज अ जू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जू? चलो जू क्या होता है? चिड़ियाघर, जहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड्स को रखे जाते हैं. क्या होता है वहाँ पे जू में? एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं, राइट, जिसको हम विजिट कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, राइट. तो जू में हम क्या करने जाते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स, उन सबको देखने जाते हैं, राइट. तो यहाँ पे देखो जू मैनर्स. मैनर्स मतलब क्या होता है? मैनर्स टू टाइप्स की होती है, एक अच्छी वाली होती है और एक गंदी वाली होती है. मैनर्स मतलब आपको बिहेव कैसे करना है लोगों के साथ, पब्लिक में आप बिहेव कैसे करते हो, तो उसको मैनर्स बोलते हैं. चलो यहाँ पे देखो जू मैनर्स मतलब जब आप जू इसमें क्या होगा, जब आप जू में जाते हो तब आपको कैसे मैनर्स कैसे कैसे मैनर्स आपको रखनी चाहिए, कैसा बिहेव सबके साथ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बताया जाएगा. चलो रीड एंड एन्जॉय दिस पोयम. बी केयरफुल व्हाट यू डू, व्हाट यू से और डू. चलो फर्स्ट लाइन क्या है? बी केयरफुल मतलब ध्यान से, केयरफुल मतलब ध्यान से. व्हाट यू से और डू, चलो आप जू में जाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो व्हाट यू से मतलब आप क्या बोलते हो और क्या करते हो, डू मतलब करना, से मतलब बोलना. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू, इसका सबसे पहले आपको ख्याल रखना है आप क्या बोलते हो और आप क्या करते हो. आपको कोई ऐसे वैसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, आपको कुछ गंदा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपको एनिमल को, जो एनिमल को एंग्री बनाए, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए या ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए. आपको एनिमल्स को जो होते हैं उनको हार्म नहीं करना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमें. देन व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. क्या करना चाहिए आपको? बी केयरफुल विथ व्हाट यू से एंड डू. आप जो करते हो और बोलते हो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए. कब ध्यान रखना चाहिए? व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. किसको आप विजिट करते हो? एनिमल्स को विजिट करते हो जू में, तब आपको ये पहले तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, आप क्या बोलते हो और क्या करते हो. देन डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हार्म, He is very proud of his noble pump, bump. चलो don't make fun मतलब fun, don't make fun का मीनिंग क्या होगा कि किसी के ऊपर हंसो मत, किसी का मजाक मत बनाओ, मजाक मत बनाओ और किसी पे हंसो मत. Don't make fun of किसका मजाक नहीं बनाना है? Don't make fun of the camel, किसका? Camel's hump. चलो hump मतलब क्या है? आपने camel देखा होगा, right? तो उसकी जो पीठ होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है, एकदम शार्प होती है. कैसे होती है? थोड़ी सी ऊंची और शार्प होती है. जब आप कैमल का पिक्चर या लाइव कैमल देखो तो उनकी जो पीठ होती है उनको आपको बैक को पहले देखना है, वो बहुत ही शार्प और एकदम ऊंची होती है. तो आपको क्या करना है? उसका मजाक नहीं बनाना है, उसकी हम्प, उसको क्या बोलते हैं? पीठ को हम्प बोलते हैं. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. चलो वो उसकी जो ये पीठ है वो उसकी जो पीठ है ये उससे वो प्राउड फील करता है. प्राउड फील करना मतलब उसे उस पर गर्व है, क्योंकि उसके पास ऐसी जो पीठ है वैसी और कोई एनिमल में नहीं है. कैसी पीठ है? ये जो ऊंची और शार्प पीठ है वैसी वाली दूसरे एनिमल्स के पास नहीं है, इसलिए वो कैसा फील करता है? प्राउड फील करता है. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम. नोबल मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नोबल? नोबल मतलब एक खिताब दिया जाता है, मतलब ये जो ऐसी चीज़ों के लिए दिया जाता है जो एक ही के पास हो, जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की और अच्छी वाली अलग टाइप की चीज़ जिसी के पास होती है उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. या फिर कोई आप अच्छा काम करते हो अपनी कंट्री के लिए या फिर अपने स्टेट के लिए, अपनी सिटी के लिए, तो आपको क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. अच्छे काम करने के लिए नोबेल मिलता है. देन डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. डोंट लाफ टू मच, लाफ मतलब हंसना. डोंट लाफ टू मच,
डोंट लाफ टू मतलब ज़्यादा हंसना नहीं है, किसके सामने नहीं हंसना है, किसके साथ नहीं हंसना है, एट द चिंपांजे को देखकर आपको ज़्यादा हंसना नहीं है, क्या नहीं करना है आपको, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजे को देख के आपको ज़्यादा हंसना नहीं है. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. चलो वो क्या सोचता है, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज, वाइज मतलब क्या होता है, अच्छा वाइज मतलब क्या होता है, समझदार, क्या बोलते हैं उसको, समझदार. ही इज एज ही थिंक्स, वो क्या सोचता है, ही इज एज वाइज एज यू एंड मी, वो क्या सोचता है कि आप जैसे हो समझदार वैसा भी मैं भी समझदार हूँ, तो आपको उस पर ज्यादा हंसना नहीं है. चलो यहाँ पे देखो कैमल है, जू का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो ब्रांच में एक मंकी है, नीचे एनिमल है, फिर और क्या क्या है यहाँ पे देखो, पेंगुइन्स है, सी बर्ड्स है, फिर ये हिप्पोपोटामस है, राइनोसॉरस है, फिर यहाँ पे देखो स्नैक है, राइट. चलो अभी नीचे देखो एंड द पेंगुइन्स शटरिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक. चलो एंड द पेंगुइन्स, पेंगुइन्स क्या होते हैं, सी बर्ड है एक, क्या है पेंगुइन, सी बर्ड है, वो सी के आसपास बीच पे ही आपको दिखाई देता है, पानी में ही वो आपको दिखाई देता है. कौन सा बर्ड है वो, सी बर्ड है, वो पानी का बर्ड है, समंदर का बर्ड है, समंदर के आसपास ही वो ज़्यादातर होते हैं, वो ज़मीन पे या फॉरेस्ट में जंगल में पेंगुइन्स नहीं रह सकते, वो कहाँ रह सकते हैं, एकदम ही कूल प्लेस होती है, जैसे सी बीच जो होते हैं वो एकदम कूल होते हैं, राइट, बिकॉज वहाँ पे सी होता है, पानी होता है, और वहाँ का वेदर भी एकदम कोल्ड होता है, तो वहाँ पे ही पेंगुइन्स रह सकते हैं. सी बर्ड है पेंगुइन एक, शटरिंग अराउंड द लेग. चलो शटरिंग मतलब क्या करना, शटर डाउन करना, शटर जो होता है मतलब ढक्कन, किसी चीज़ का ढक्कन. शटरिंग अराउंड द लेग क्या करता है वो, अराउंड द लेग मतलब लेग के आसपास वो शटरिंग करता है. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, क्या वो समझ सकता है, रिमार्क समझ सकता है, रिमार्क मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिमार्क, रिमार्क मतलब आप जो उसको नोट करते हो, क्या करते हो, आप उसको नोट करते हो, पेंगुइन को देखते रहते हो, तो वो बहुत ही एकदम होशियार है, वो मतलब क्या कर सकता है, जो आप उसको देख रहे होते हैं वो सब कुछ नोट करता है, रिमार्क कर लेता है, वो कैसा है, एकदम क्लेवर होता है. एंड द पेंगुइन शटरिंग अराउंड द लेक, कहाँ देखता रहता है वो, आसपास देखता ही रहता है, और आप उसको देखते हो वो भी वो रिमार्क मतलब नोट करता है. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, कैसे ट्रीट करना है आपको, जितने भी एनिमल्स होते हैं जब आप जू को विजिट करो तब वहाँ पे बर्ड्स या एनिमल्स जो भी हो उनको कैसे ट्रीट करना है आपको, अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करना है, उनके साथ मस्ती नहीं करनी है, उनका मजाक नहीं बनाना है, उनको हर्ट पहुँचे ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, तो क्या होगा आप अगर आप वहाँ पे कोई शैतानी नहीं करोगे, आप मस्ती नहीं करोगे, तो आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ऑलवेज वेलकम, आपका वहाँ पे ऑलवेज स्वागत किया जाएगा जू में, राइट. चलो अभी यहाँ पे देखो न्यू वर्ड्स, प्राउड, प्राउड मतलब गर्व होना, खुद के ऊपर गर्व करना. देन नोबेल मतलब, नोबेल एक खिताब है जो अच्छे काम किए जाते हैं उनके लिए नोबेल मिले जाते हैं. देन वाइज मतलब समझदार एकदम. पेंगुइन्स क्या है, पेंगुइन्स आर सी बर्ड्स, क्या है पेंगुइन एक सी बर्ड है. देन शटरिंग मतलब ढक्कन, शटर जो होता है वो ढक्कन जो होता है वो बंद कर देना. रिमार्क्स मतलब नॉट करना. चलो अभी यहाँ पे देखो कौन से पिक्चर्स है, यहाँ पे देखो एक लायन है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, डियर है, और यहाँ पे दो चिल्ड्रन है वो जू में है, राइट, वो जू को विजिट कर रहे हैं, वो लायन को विजिट कर रहे हैं. चलो तो आपने जू देखा है, राइट, राजकोट में भी जू है, प्रद्युमन पार्क आप गए होंगे तो वहाँ पे भी बर्ड्स और एनिमल्स है बहुत सारे, तो जब भी आप अभी नेक्स्ट टाइम विजिट करने जाओ जू में तो आपको अच्छे से पेश आना है, राइट, अच्छे से सबको ट्रीट करना है. चलो अभी नीचे देखो रीडिंग इज वन, व्हाट डू यू सी एट द जू, व्हाट डू यू सी एट द जू, आप जू में क्या देखते हो, क्या देखते हैं हम जू में, जू में हम एनिमल्स एंड बर्ड्स देखते हैं, राइट, वी सी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू, आंसर इज वी सी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू. देन व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, चलो व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, बैक मतलब उसकी पीठ के ऊपर क्या है, हमने पोएम में देखा था उसकी पीठ जो होती है वो एकदम शार्प और एकदम ऊंची होती है, जिसका हमें मजाक नहीं उड़ाना है. वी डोंट नीड टू मेक अ फन ऑफ कैमल्स, हम्प, किसका हम्प, उसको क्या बोलते हैं,
हम्प, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? द कैमल हैव हम्प ऑन इट्स बैक. आंसर इज द कैमल हैव हम्प, HUMP, हम्प ऑन इट्स बैक. देन लेट्स टॉक, हैव यू बीन टू अ जू? चलो यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है थोड़ा सा. हैव यू बीन टू अ जू? क्या आपने कभी, आप कभी जू पे गए हो, जू में गए हो, जू का विजिट किया है? आंसर इज यस. आपको क्या, आपको पता है आपने जू को विजिट किया है, उसमें क्या क्या होता है, वहाँ कौन कौन होता है, वो भी आपको पता है. तो आपको ये डिस्कशन करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि यस, मैं जू में गया था, मैंने ये एनिमल देखा था, मैंने ये वाला बर्ड देखा था, राइट? देन नेम द एनिमल विच यू हैव सीन इन अ जू. से द नेम्स इन योर ऑन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. चलो आपको ये डिस्कशन अपनी मम्मा के साथ या पापा के साथ, सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड्स के साथ करना है. नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू. कौन से एनिमल्स आपने जू में देखे हैं, उनके नेम जो है वो आपको अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में भी बोल रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश में बोल रहे हैं. चलो आपको, जब आप जू में जाते हो तो वहाँ पे कौन कौन होता है? लायन, मंकी, टाइगर, ज़ीब्रा, जीराफ, और कौन से एनिमल्स होते हैं? बर्ड्स होते हैं, पिकॉक, कैट्स होती है, फिर क्रोकोडाइल होती है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, सी एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ होते हैं वहाँ पे, राइट? अगर आप बहुत ही बड़े वाले जू में जाते हो तो वहाँ पे टाइगर, ज़ीब्रा, जिराफ, ऐसे एनिमल्स भी जो यहाँ पे नहीं होते, वैसे वाले एनिमल्स भी आप देख सकते हो चिड़ियाघरों में. चलो उसके बाद, नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट. व्हाई? आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है और वो क्यों पसंद है, उसके बारे में भी आपको डिस्कशन करना है. देन डिड यू फीड एनी एनिमल एट द जू? शुड बी टेस्ट, शुड बी टीज एनिमल. चलो डिड यू फीड, फीड मतलब खाना देना. एनी एनिमल एट द जू? आपने किसी एनिमल को खाना दिया है जू में? शुड बी टीज एनिमल, क्या हमें टीज मतलब उनको परेशान करना चाहिए? शुड बी टीज एनिमल्स, क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? नो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और उसको हमें खाना देना भी नहीं चाहिए. अगर परमिशन ना हो तो हमें उसको कुछ खिलाना नहीं है. चलो उसके बाद, लेट्स लिसन, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर सेज. चलो ये वाला जो है वो आपको करना है, होमवर्क में आपको आज करना है. लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर सेज. आपको पता होना चाहिए कि टीचर उसमें से कौन से वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो, आपको टिक करने हैं ये जो वर्ड्स है वो. आपको पता होगा कि टीचर्स क्या कहते हैं, तो ये आपको होमवर्क में करना है. चलो, से अलाउड, बम्प, हम्प, डम्प. बम्प, हम्प, डम्प. क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ. नॉइस, प्राइज, साइज, पाइज, फाइल्स, फ्लाइज. नॉइस, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज. चलो नीचे देखो, अभी लेट्स सिंग एंड एक्ट. चलो यहाँ पे एक छोटा सा सॉन्ग है. द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही सो टॉल एंड सो फैट. द एलिफेंट वॉक्स कैसे करता है, क्या करता है एलिफेंट? वॉक करता है मतलब चलता है. कौन चलता है? द एलिफेंट. लाइक दिस एंड दैट, कैसे चलता है? ऐसे और वैसे. देन ही सो टॉल एंड सो फैट, कैसा है वो? एकदम टॉल है और फैट है. ही हैज़ नो फिंगर्स एंड हैज़, he has no finger, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. चलो, he has no fingers, elephants की fingers होती है, उसके पास fingers होती है. No, he has no fingers, he has some toes. Yes, पर उसके नीचे toes होती है. देखो, toes आपको दिखाई दे रही है उसके legs में. Yes, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. उसका जो nose है वो कैसा है? बहुत ही big वाला है. उसकी जो trunk होती है वो एकदम बिग होती है. चलो भैया, पे देखो, मैक सेंटेंसेस यूजिंग दीज एंड दैट. कैसे सेंटेंसेस बना है आपको? दीज एंड दैट वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये भी आपको होमवर्क में करने हैं. मैक सेंटेंसेस यूजिंग दीज एंड दैट. अभी आप सेकंड स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं. नाउ लेट्स राइट अ विजिट टू माई विलेज. चलो यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक्स दी गई है, उसमें वर्ड्स आपको कहाँ से फाइंड करने हैं? यहाँ पे बॉक्स में से हॉर्सेस, विलेज, कैट, डॉग्स, मिल्क, किचन्स, हे, पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काउ,
कॉक एंड हैन। चलो अभी यहाँ पे देखो, इन जून वी वेंट टू अ, किसका पिक्चर है यहाँ पे देखो, इन जून वी वेंट टू अ, चलो जून मंथ में हम कहाँ गए थे, वेंट मतलब गए, टू अ, चलो ये किसका पिक्चर है, विलेज का पिक्चर है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, विलेज, मैं सिर्फ एक ही लेटर राइट कर रही हूँ, विलेज। चलो उसके बाद वेयर माई, चलो ये किसका पिक्चर है, कौन है ये, ग्रैंड मदर है, किसका पिक्चर लग रहा है आपको, ये ग्रैंड मदर का, ग्रैंड मदर, देन चलो उसके बाद शी हैज, शी हैज, वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स, कौन रहती है गांव में, उसकी ग्रैंड मदर रहती है, ग्रैंड मदर रहती है, शी हैज अ फार्म, उसके पास क्या है, शी हैज अ फार्म, फार्म है उसके पास, ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, देर आर टू, चलो ये किसका पिक्चर है अभी, हॉर्सेस का पिक्चर है ये, तो यहाँ पे एच कर रही हूँ हॉर्सेस, देन अ, ये किसका पिक्चर है, कैट है, क्या है ये, चलो ये कैट नहीं किटन है, क्या है ये, किटन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले कैट आएगी और नीचे किटन है, देखो यहाँ पे ये वाला जो, ये वाली जो है दो वो किटन्स है और ये कैट है, ये कैट है, देर आर टू हॉर्सेस, देर आर टू हॉर्सेस, अ कैट विथ इट्स किटन्स, चलो यहाँ पे किटन्स आएगा और यहाँ पे ये उसकी मामा है, कैट है, कैट विथ टू किटन्स, हाउ मेनी किटन्स आर देर, टू किटन्स, नाउ थ्री, चलो थ्री जो है वो क्या है, कौन है ये, डॉग्स है, व्हाट इज, व्हाट आर देयर, डॉग्स, तो यहाँ पे डी करो, देन वन क्या है, और एक कॉक या हैन, हैन कौन है इसमें से, और कॉक किस, कौन है इसमें से, ये वाइट वाली जो है वो हैन है और ये बिग बिग है वो कॉक है, देन एंड अ काउ एज वेल, देखो यहाँ पे काउ भी है, थ्री डॉग्स वन हैन एज वेल एज कॉक एंड अ काउ, क्या क्या है उसके पास, चलो सबसे पहले तो हॉर्स है, टू हॉर्स है, उसके बाद एक कैट है, टू किटन्स है, थ्री डॉग्स है, एक हैन है, एक कॉक है और एक काउ है, एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ, चलो शी फीड्स हर एनिमल विथ, किससे फीड करती है, मतलब क्या खिलाती है वो, चलो रोज सुबह वो क्या खिलाती है, ये किसका पिक्चर है, ये है मतलब सूखा घास, कैसा घास है ये, सूखा है, तो उसको हे बोलेंगे, एच ए वाई हे, देन और क्या देती है, और उसको यहाँ पे देखो किसका पिक्चर है, ये मिल्क है, मिल्क की बैग है, मिल्क का पाउच है, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ, कहाँ से वो पानी पीती है, पॉन्ड में से, ये किसका पिक्चर है, पॉन्ड, चलो इन जून वी वेंट टू अ विलेज, कहाँ गए थे जून मंथ में, विलेज में मतलब एक छोटे से गांव में गए थे, वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स, कौन रहता है गांव में, उसकी ग्रैंड मदर रहती है, शी हैज अ फार्म, उसके पास फार्म है, चलो और उसके पास क्या क्या है, ऑन अर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, फार्म में क्या है, बहुत सारे एनिमल्स है, जिसमें देर आर टू हॉर्सेज, टू हॉर्स है, एक कैट है, एक किचन है, देन थ्री डॉग्स है, एक हैन है, एक कॉक है और एक काउ है, राइट, एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल विद, चलो सुबह सुबह रोज वो इसको क्या फीड करती है, क्या खिलाती है, हे खिलाती है, सूखा घास खिलाती है, और मिल्क क्या देती है, और क्या खिलाती है, या तो मिल्क या तो फिर सूखा घास, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड ऑन, पॉन्ड ऑन द फार्म, चलो वो सब जो एनिमल्स है वो कहाँ से पानी पीती है, पॉन्ड ऑन द फार्म, देयर इज पॉन्ड ऑन द फार्म, तो वहां पे पॉन्ड भी है फार्म में, तो वहां से एनिमल्स पानी पीते हैं, चलो उसके बाद नीचे देखो, कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कंपोजिशन कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, चलो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई है, तो उसको हम फील करेंगे, ये पिक्चर किसका है, देखो बीज है, फ्लावर्स है, उसके आसपास क्या है, बीज है, दिस इज अ, चलो उसमें ब्लॉक बॉक्स में देखो, लाइंस, फ्लावर्स, बज्ड, टू, बी एंड बर्ड,
चलो ये किसका पिक्चर है, ये बीज है और फ्लावर्स है। चलो यहाँ पे देखो, दिस इज अ किसका कौन है, ये बी है, ये क्या है, बी। तो यहाँ पे मैं बी राइट कर रही हूँ, दिस इज अ बी। देन ईच हैज चलो इट हैज ऑन इट्स विंग, उसके विंग में क्या है, चलो उसके विंग में क्या होती है, लाइंस होती है। आप देख सकते हो पिक्चर में क्या है उसकी विंग्स में, लाइंस है, एल। देन इट हैज एंटेनास, चलो कितने एंटेनास होते हैं उसके ऊपर, एंटेनास क्या होते हैं, यहाँ पे हेड के ऊपर जो स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो क्या होते हैं, एंटेनास होते हैं। इट हैज टू एंटेनास, राइट। देन इट बज अराउंड द, चलो बज करती है, उसका साउंड कैसा होता है, बज करना, बीज क्या करती है, बजिंग करती है, बज करती है। चलो इट बजेस अराउंड द, चलो किसके आसपास वो बज कर रही है, फ्लावर्स के आसपास, एफ। इट बज एंड केम टू द जू, चलो क्या करती है, बजेस करती रहती है ऑल टाइम, buzzed and buzzed. This is a bee. It has lines on its wings. It has two antennas. It buzzes around flowers. It buzzed and came to the zoo. Chalo, let's do help the bee to reach its home. What are the things that it met on the way that rhyme with bee? चलो तो ये पज़ल है वो आपको होमवर्क में करनी है, किस में करनी है, होमवर्क में करनी है। चलो यहाँ से बी जो है वो स्टार्ट हो रही है और उसको यहाँ तक एंड तक ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, एंड तक। तो ये वाला पेज आपको होमवर्क में करना है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चलो यहाँ पे सम एनिमल्स के पिक्चर दिए गए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वाला देखो, किसका पिक्चर है, ये लायन का है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लायन, L I O N, lion. Then second wala hai tiger, T I G E R, tiger. Then wolf, W O L F, wolf. Kiska picture hai ye, wolf ka hai. Chalo abhi yahan pe dekho, lion, L I O N, lion, T I G E R, tiger, W O L F, wolf, D E R, deer. किसका है फिर ये, deer का है। फिर jackal, J A C K E L, किसका है ये, jackal है। then O W L, owl, M O N K E Y, monkey. then ये क्या है, bear है, bear, b e a r, bear. then chimpanzee, c h a m p a n z e e, chimpanzee. aur ye g i r a double f e, giraffe. done. chalo abhi let's make the noises that animals make, roar like a chalo yahan pe noises matlab animals jo hoti hai wo kaise sound karte hai, kaise बोलते हैं। चलो तो यहाँ पे देखो, रॉर लाइक अ लायन, आपको क्या करना है, ये घर पे करना है। लायन क्या करता है, रॉर करता है। फिर ने लाइक अ हॉर्स, हॉर्स क्या करता है, ने करता है। क्वैक क्वैक क्या करता है, डक करता है। देन ब्लीट लाइक अ गॉट, ग्रंट लाइक अ पिग, बार्क लाइक अ डॉग, मू लाइक अ काउ, सिर्प लाइक अ स्पैरो, चैटर लाइक अ मंकी, एंड ही इज लाइक अ स्नैक। क्या करना है आपको, डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस है एनिमल्स के, उनको आपको घर पे निकालना है, साउंड करना है। नाउ जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। चलो ये किसका पिक्चर है, कौन है ये, डायनासोर का पिक्चर है। चलो ये आपको घर पे डॉट करने है, होमवर्क में कर लेना है ये वाला पेज। उसके बाद लेट्स प्रैक्टिस, चलो कर्सिव की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। ऑन ऑन ऑन, कम कम कम, हाउस हाउस हाउस, क्लाउड क्लाउड, लकी लकी लकी, एंड फनी फनी। चलो ये वाला पेज जो है वो भी आपको प्रैक्टिस में कर लेना है, कर्सिव की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है।